ये धार्मिक यज्ञ भंडारा भी चला हुआ और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी, दो चार बात जिस समय जयमल अपनी मामा के यहां कुंभानेर से चल पड़ता है और मेड़ता बसा दिया, मालदेव ने चुगली कर दी अकबर के पास में कि जयमल अकेला मेड़ते में रहता है, तू उससे कर मांग ले। अकबर ने एक परवाना भेज दिया, जयमल उस परवाने को पढ़ता है बड़ी चिंता की मुद्रा में। वह सस्पदनी बड़ी शानी थी, नौकर लगी के लिख रहा क्या ईसा, इसमें आप इतनी चिंता में पढ़ते हो कि अकबर ने कर मांगा है। नौकर लगी वो कर अकबर ने नहीं मांगा, क्या और के तेरे चाचा मालदेव ने मांगा है, जब मेरी माने तो अब यहां पर मेड़ते में रहना ठीक नहीं। तो समझाती है मालदेव कि चले के चत्तौड़, क्या कहती है ओए भर लगे और चलने चत्तौड़ सजन हाड़े वो सारी हाड़ा पंखा लेके जोड़ूंगी वे आउट पर छवर में तेरी जोपन झाल जा कोड़ूंगी, चैतन कोई सी होगी ते के अपने जीने रोजूंगी, चैतन कोई सी होगी ते के अपने जीने रोजूंगी, तेरे तांता कानी ख्याल करूं, तांता कानी ख्याल करूं, मेरा I'll
अपन की जद होश है हटके चिले खून में गर्मी सब पता में हद होश है ऐ पद मारस पद ना मिले रे पदी करनी आ पद होश है आठो पैर करे जा भुंडी राख रवाई सद होश है मान करते और भावी सरपंच भाई बिल्लू ये भी सौ रुपये से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। चौथे नंबर पर समझाती है के दूसरे चाचा मालदेव ने जाने से क्या कहा अकबर धोरे चुगली करके सबने दास करनिया से मुगला के चक्कर में आके वो देखा दास करनिया से ढके ढकाए ढोलना का कभी पर्दा फाश करनिया से ढके ढकाए
तेरे चाचा ने तू जाने सौ धरते नाश करनिया से, अकबर धोरे चुगली करके सबने दास करनिया से, मुगला के चक्कर में आके देह का घास करनिया से, डके डकाए ढोला का कति पर्दाफाश करनिया से, महंगे राम समझौता कर लेना लाख रुपए का कर लागे, चल ने चित्तौड़ सजन हड़ सारी हाना डरला। सस्पतनी की बात जब जयमल ने सुनी, दिमाग को घुमाता है, विचार करता है, और उसकी बुआ का लड़का फतेह सिंह बहुत ही ताकतवर राजपूत था, उसके पास में चिट्ठी लिखता है। देखो ये नेका के बारे में बता रहे, बोले सगया भाई है, अपने माँ जाए न कह दे सगया, लेकिन सगया भाई होता है मामा फूफी का, माँ जाया तो माँ जाया हुआ। तो यहाँ पर वो जयमल चिट्ठी लिखता है फतेह सिंह के पास में, अरे बुआ के बेटे कुछ मेरी तरफ भी ध्यान कर ले, क्या कहा है क्या।